हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी 2019 का जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हुआ है, इस का जो पेपर टू है, पेपर टू में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इस तरीके से जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, हम उन सबको कवर करेंगे। जो जनरल नॉलेज वगैरह का पोर्शन है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट सेशन, एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग हाउ वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हियर वी बिगिन। एंड इस पेपर डिस्कशन में जो सेट मैं कंसिडर करने वाला हूँ, जिस सेट में से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, वो है सेट बी। तो हो सकता है कि अगर आपके पास सेट ए है या सेट सी है या फिर सेट डी है, तो फिर आपके क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है, बट मोर और लेस क्वेश्चंस तो अपने सेम होने ही है। सो आई एम गोइंग टू फॉलो सेट बी एंड आप अपने अकॉर्डिंग उसमें देख सकते हैं कि आपके सेट में वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर आपको मिले। तो जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज द 51st क्वेश्चन इन अवर क्वेश्चन पेपर, इसमें पूछा गया है कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, लिथोस्फीयर में क्या क्या चीजें आती है। एंड ऑप्शन आर अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल एंड मेंटल एंड कोर। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 11 के ऐसे डायरेक्ट आपको पूछा गया है। जो एनसीईआरटी का आपका पहला का जो पहला पार्ट है क्लास 11 में, क्योंकि दो पार्ट एनसीईआरटी के चलते हैं, तो पहले पार्ट में जिसमें अर्थ का फॉर्मेशन आपको समझाया गया है, उसमें ये अगर उसके चैप्टर्स को आपने रिलीजियसली फॉलो किया है, तो इट्स इजी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। इसमें बताया गया है कि लिथोस्फीयर जो होता है वो आपके मेंटल के अपर मोस्ट पोर्शन एंड क्रस्ट वगैरह से मिलके बनता है, उसके नीचे फिर फर्दर दूसरी लेयर आती है, इस तरह से आप सक्सेसिव लेयर से थ्रू होते हुए कोर तक जाते हैं। तो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग टू डिस्कस मच अबाउट इट, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी से पूछा गया है, एंड इट्स एन इजी क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन। यानी कि जो 5th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके प्रोविजन जो रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से, वो किस पर लागू नहीं होंगे। नॉट वर्ड पे हमें ध्यान देना, उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस पर लागू होंगे, उन्होंने ये बोला है कि किस पर लागू नहीं होंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजंस जो रिलेटेड हैं शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड उनके प्रोविजन है, वो प्रोविजन इनमें से कौन से स्टेट्स में लागू नहीं होंगे। नॉट वर्ड, ऑप्शन आपको दिया गया है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है आसाम एंड त्रिपुरा, तीसरा है मेघालय एंड मिजोरम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो 5th शेड्यूल में है क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 5th शेड्यूल बेसिकली ये कहता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चार स्टेट्स के अलावा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चार स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, अगर उन स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के प्रोविजन 5th शेड्यूल से लिए जाएंगे। यानी कि 5th शेड्यूल किन स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होती, असम में अप्लाई नहीं होती, त्रिपुरा में अप्लाई नहीं होती, मेघालय और मिजोरम में अप्लाई नहीं होती। तो इस वाले ऑप्शन पे भी अप्लाई नहीं होगी और इस वाले ऑप्शन पे भी अप्लाई नहीं होगी। तो आपका सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 only 1 and 2 2 and 3 only 1 2 and 3, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 5th शेड्यूल के प्रोविजन किस पर लागू होंगे, उन्होंने ये पूछा है कि 5th शेड्यूल के प्रोविजन किस पर लागू नहीं होंगे, एंड बाय दैट लॉजिक आपका आंसर 2 and 3 हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई आपका जो ऑप्शन सी है सेट बी में क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन सी है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, द फर्स्ट उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस ट्रेन रन्स बिटवीन। उदय ट्रेन है, दैट इज उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस, ये जो पहली उदय ट्रेन है वो किसके बीच में चलती है। तो जो लोग करंट इवेंट फॉलो कर रहे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होगा, जो आपकी पहली उदय ट्रेन है, दैट इज द फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन ऑफ इंडिया, ये 2018 में शुरू हुई थी, एंड जो पहला इसका वर्जन था, दैट इज रनिंग बिटवीन बैंगलोर एंड कोयम्बटूर जंक्शंस, बैंगलोर और कोयम्बटूर जंक्शन के बीच में इसका पहला वर्जन या फिर पहली ट्रेन जो है उदय ट्रेन के नाम से, दैट इज द फर्स्ट अंडर डबल डेकर ट्रेन ऑफ इंडिया, वो चलना शुरू हुई थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन और द सेकेंड ऑप्शन। That is also a factual question, whether you know it or you don't know it. So, this is the answer of this question. It has been asked from current events. Who among the following was selected for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2019? Inme se kaun jo hai Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2019 ke liye
सिलेक्ट हुआ था या नॉमिनेट हुआ था, जिसको बाद में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया. ऑप्शंस आर विजय कुमार एंड योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक एंड जीतू राय, विराट कोहली एंड मीराबाई चानू एंड बजरंग पूनिया एंड दीपा मलिक. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है येट अगेन, काफी वक्त न्यूज में था भी. फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको पता है या नहीं पता है, गैस वर्क की कोई जरूरत नहीं है इसमें. देन करेक्ट आंसर इज बजरंग पूनिया एंड दीपा मलिक. काफी टाइम तक न्यूज में रहा है, तो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करंट इवेंट आया है डायरेक्ट सवाल. ये आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 में है, बजरंग पूनिया को मिला है फॉर बीइंग द नंबर वन रेसलर एंड दीपा मलिक को मिला क्योंकि उन्होंने पैरा ओलंपिक में काफी अच्छा परफॉर्म किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटल लीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अकॉर्डेड GI टैग. इनमें से कौन से स्टेट की जो बीटल लीफ है, तेंदू पत्ता है, उसको GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है. GI टैग बेसिकली दिया जाता है अगर कोई चीज किसी जगह पर हो रही है, उसकी पैदावार हो रही है, उसे बनाया जा रहा है एंड उसमें वहां पे वहां उस पर्टिकुलर जगह में वहां पे उसमें कुछ खास तरीके की स्पेशल क्वालिटीज वगैरह अगर है जो कहीं दूसरी जगह नहीं देखने को मिलती. जैसे दार्जिलिंग की टी की बात की जाए, जिस तरीके की चाय दार्जिलिंग टी में होती है उस तरीके की चाय कहीं और नहीं मिलती, तो दार्जिलिंग की टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है. अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग ये बताता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे होने वाली जो खाए ये जो चाय है ये पर्टिकुलर कुछ क्वालिटीज रखती है जो स्पेशल है और जो कहीं और की चाय में आपको नहीं मिलती. तो GI टैग अगर किसी चीज को दिया जाता है ये इंडिकेशन है कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर किसी ये जो चीज है जिसे GI टैग दिया गया है ये जिस तरह से यहाँ पर होती है, बनाई जाती है, पैदा होती है, जो भी है, उस तरीके की क्वालिटीज कहीं और इस पर्टिकुलर चीज में आपको देखने के लिए नहीं मिलती. तो अभी ये क्वेश्चन है, फिर करंट इवेंट से आया है, बीटल लीफ इनमें से कौन से स्टेट की बीटल लीफ को हाल ही में GI टैग दिया गया है. बीटल लीफ इनमें से कौन से स्टेट की जिसको GI टैग दिया गया है. तो करेक्ट आंसर इसका है केरला. काफी टाइम न्यूज में था ये अभी अगस्त और सितंबर के के वक्त में केरला की जो बीटल लीफ है उसको GI टैग मिला था. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन ऑन द थर्ड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज समर्थ इज फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज. समर्थ स्कीम जो है ये इनमें से कौन से मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप स्कीम स्किल डेवलपमेंट स्कीम है. सबसे पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, सेकंड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो समर्थ स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री की आपकी फ्लैगशिप स्कीम है. येट अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इवेंट एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है. ये भी न्यूज में था, जो अगर आप न्यूज़पेपर जुलाई अगस्त वगैरह में फॉलो कर रहे थे तो समर्थ स्कीम और इससे रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह काफी टाइम तक न्यूज में रहे हैं और ये क्वेश्चन वहां से आपका फ्रेम करके पूछा गया. फिर से वही बात आती है कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को इंटेलेक्चुअल गैस नहीं लगा सकते थे, या तो आपको ये आता है या फिर आपको नहीं आता है. तो जिन जिन लोगों ने करंट इवेंट्स को रिलीजियसली फॉलो किया है, यहाँ इम्पेटस में भी जो करंट इवेंट्स वगैरह के नोट बनवाए गए थे उसमें ये क्वेश्चन था. तो ये जिन जिन लोगों ने आपका रिलीजियसली इसको फॉलो किया है न्यूज़पेपर वगैरह को या फिर किसी पर्टिकुलर करंट इवेंट की मैगजीन को, उनके लिए क्वेश्चन करना खास मुश्किल नहीं होगा. आपका क्वेश्चन था करंट इवेंट से पूछा गया, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया है, कोरस इज अ सेपरेट कमांडो यूनिट ऑफ. कोरस जो है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट आपकी कमांडो यूनिट है. पहला जो ऑप्शन है वो है एनएसजी, दूसरा है CISF, तीसरा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF और चौथा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस CRPF. तो हमको यहाँ पे फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन और फिर से आपका करंट इवेंट से निकल कर आया है कि कोरस एक सेपरेट कमांडो यूनिट इनमें से कौन से फोर्स की है. पहला ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG, दूसरा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF, थर्ड इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF एंड चौथा है CRPF. ये भी आपका अक्टूबर सितंबर में काफी न्यूज में रहा था जब होम मिनिस्ट्री ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ये अनुमति दी थी कि आप अपनी अलग से एक कमांडो यूनिट बनाइए जिसका काम होगा ये थेफ्ट वगैरह जहां पे हो रहे हैं, खासतौर पे नक्सल एरियाज में ट्रेन में जो थेफ्ट होते हैं उनको रोकने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे. सो जो करेक्ट आंसर है वो है RPF. कोरस जो है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्पेशल या इलीट फोर्स है. होम मिनिस्ट्री ने इसकी इजाजत दी है और इसका काम है कि जहां जहां आपके नक्सलाइट एरियाज हैं, जहां पे रेलवे में डकैती वगैरह बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं इस तरीके की, वहां पर ये रेलवे वगैरह को प्रोटेक्शन देगी. सो द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन और द थर्ड ऑप्शन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इजारा सिस्टम. इनमें से कौन सी बात जो है वो इजारा सिस्टम के बारे में सही नहीं है.
एंड चार ऑप्शंस आपको दिए गए। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इजारा सिस्टम होता क्या है। ये क्वेश्चन बेसिकली 7th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है, जिसमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है। तो जब मुगल आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिसलाइन पर था अकबर और जहांगीर के बाद के वक्त में, तब इस सिस्टम को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि रेवेन्यू वगैरह को किसी तरीके से बढ़ाया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कोई फार्मर है, कोई वजह के कारण कोई नेशनल कैलमिटी आ गई, अकाल पड़ गया, किसी कारण से अगर वो अपनी जमीन को या तो बिल्कुल ही नहीं जोत पाया है या फिर अगर उसके ऊपर अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाया है और अब स्टेट को अपने जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं वो पे नहीं कर सकता, तो फिर उस केस में होता ये था इजारा उस पर्टिकुलर लैंड का जो इजारा था या फिर उस पर्टिकुलर प्लॉट का जो इजारा था वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता था। उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि वो इस फार्मर से उतना रेवेन्यू नहीं मांगेंगे जितना रेवेन्यू स्टेट मांग रहा था, वो उससे थोड़ा सा कम रेवेन्यू मांगेंगे, उसकी मदद भी करेंगे किसी तरीके से कि थोड़ा बहुत कल्टीवेशन हो सके और उसके बाद में उससे थोड़ा बहुत टैक्स लेंगे, उतना टैक्स नहीं लेंगे जितना स्टेट ले रही थी, और उस टैक्स में से 9/10 पार्ट जो है वो स्टेट को पे करेंगे एंड बाकी जो भी होगा वो अपने पास रख लेंगे। तो ये जो था इस बात पे था कि क्योंकि हम जो टैक्स मांग रहे हैं, स्टेट जो टैक्स मांग रही है वो बहुत ज्यादा है, फार्मर इसको देने की पोजीशन में नहीं है, तो इस पर्टिकुलर एरिया या फिर इतने पूरे एरिया का इजारा जो है वो एक थर्ड पार्टी को दे दिया। थर्ड पार्टी इन फार्मर्स की मदद भी करती थी कि आप थोड़ा बहुत जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कल्टीवेशन करिए, उस कल्टीवेशन में से फिर जो भी उनको लगता था सही वो अपने हिसाब से कलेक्ट करते थे एंड उस कलेक्शन में से फिर 9/10 जो है इजारा जिस थर्ड पार्टी को दिया गया है वो आपके स्टेट को पे करते थे, जो भी कलेक्शन हुआ उसका 9/10 पार्ट और बाकी बचा हुआ अपने पास रखते थे। तो ये जो था वो इजारा सिस्टम था। बाद में इसमें और भी चेंजेस वगैरह है बट हमारे क्वेश्चन के लिए इतना नॉलेज बहुत है। क्वेश्चन 7th क्लास एनसीईआरटी के मुगल रेवेन्यू सिस्टम से पूछा गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि इनमें से इजारा सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, बात सही है, रेवेन्यू फार्मिंग तो हो रही है यहाँ पर, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, तो ये बात तो सही है, यानी कि नॉट करेक्ट का जो पैरामीटर है उस पर लागू नहीं होती, ये अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा इट इनकरेज मिडलमैन, सही बात है, स्टेट और फार्मर के बीच में अब एक तीसरा बंदा आ गया जिसको आपने इजारा के नाम पर वो एरिया का की जिम्मेदारी सौंप दी और वो जो भी ये काम कर रहा है तो मिडलमैन को भी इंकरेज का सिस्टम कर रहा था। तीसरा अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर द पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, ये बात गलत है क्योंकि इसमें यह बोला गया था कि जिस व्यक्ति को इजारा दिया गया है वो पीजेंट्स की मदद करेगा और उसके बाद में जो उसको ठीक लगेगा वो उस हिसाब से अपना रेवेन्यू जो है फार्मर टू फार्मर कलेक्ट करेगा। यहाँ पे स्टेट ने ये डिसाइड नहीं किया था कि आपको इतना ही पैसा फार्मर से लेना है, इससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते, तो तीसरा ऑप्शन आपका इजारा सिस्टम के रिस्पेक्ट में गलत है। और चौथा द इजारादार पेड अ फिक्स्ड अमाउंट टू द स्टेट ट्रेजरी, तो ये बात तो सही है, 9/10 जो इतना भी वो कलेक्ट करेगा उसको वो पे कर रहा था। तो इजारा सिस्टम के बारे में तीन बातें सही है, जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इजारा सिस्टम के बारे में सही नहीं है, तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ये बोला गया है कि फिक्स्ड अमाउंट पीजेंट्स को पे करना होता था, ये गलत है। इजारा जिसको दिया गया है उसके मन में जितना आएगा उतना मांगने की आपकी अथॉरिटी रखता था, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस पीजेंट से कितना टैक्स ले रहा है, फिक्स्ड अमाउंट कुछ था नहीं। तो दिस इज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट इजारा सिस्टम, दैट मीन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर आंसर। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ नेशनल कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ, स्वदेशी मूवमेंट जब आपका चालू हुआ था 1905 में, तो स्वदेशी मूवमेंट के अंडर में एक नेशनल कॉलेज शुरू हुआ था कलकत्ता में। ये नेशनल कॉलेज किसकी प्रिंसिपलशिप में शुरू हुआ था, तो जिस व्यक्ति ने स्वदेशी मूवमेंट वगैरह को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका आंसर जो है अरविंदो घोष है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1905 में आपका बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में जो आपका स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें फिर इन्होंने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप करी थी, उसमें एक नेशनल कॉलेज बना था, उस नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आपके अरविंदो घोष थे। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से पूछा गया है एंड इसका सीधा आंसर है अरविंदो घोष, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें बोला गया है द रुइंस ऑफ विजयनगर दैट इज द हम्पी वेयर ब्रॉट बाय टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 1800 बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वेयर एंड इंजीनियर। सन 1800 में जो विजयनगर एम्पायर है जिसको हम्पी भी बोला जाता है उसके जो भी रुइंस वगैरह बचे हुए थे उनको पब्लिक की नजर में लाने वाला ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर कौन था, किसने उनको मतलब उससे रिलेटेड जो भी सर्वे वगैरह का काम था उसको पब्लिक किया था जिसके बाद में विजयनगर एम्पायर
या हम्पी के बारे में आम जनमानस को उतना पता चला जितना पर आज की तारीख में पता है, या फिर उस वक्त उसकी तरह उस एज में कितना पता था, चल 1800 में। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जेम प्रिंसेप, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स रेनल, चार्ल्स मैकैल्पे। द रुइंस ऑफ विजयनगर और द हम्पी वेर ब्रॉट टू द पब्लिक लाइट इन 1800 बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वेयर एंड इंजीनियर। 1800 में विजयनगर एम्पायर के रुइंस वगैरह को इनमें से कौन सा ब्रिटिश सर्वेयर या इंजीनियर लोगों के सामने या जनमानस के सामने लाया था? ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप, दैट इज द ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। दूसरा है हमारा कॉलिन मैकेंजी, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वाला है जेम्स रेनल, एंड फोर्थ वाला है आपका चार्ल्स मैटकैल्पे। तो इसका आंसर जो है दैट इज कॉलिन मैकेंजी, एंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें जिसने विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो आपका 12th क्लास की जो आपकी जो पार्ट टू है उसमें जो विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि जो हम्पी के रुइंस वगैरह है उससे रिलेटेड काम वगैरह जो किया था वो आपके कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ये पहले ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे, फिर बाद में इनको सर्वेयर बनाया गया, इन्होंने फिर श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद में टीपू के पूरे एम्पायर का सर्वे किया था, उसमें हम्पी के बारे में फिर इनको पता चला, फिर उन्होंने इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह को डिस्कस किया एंड ऑल दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर बी है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, एंड ऑप्शन बी इज कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 64, Which country among the following was not the part of third coalition against the Napoleon? Napoleon के अगेंस्ट बने थर्ड कोलेशन का इनमें से कौन सी कंट्री पार्ट नहीं थी, रशिया, क्रोशिया, स्वीडन या फ्रांस? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं जिसमें अर्जुन देव सर ने जिन किताबों को लिखा है उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर अर्जुन देव सर की ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11, उसमें आपको बताया गया है कि जो नेपोलियन है इनके अगेंस्ट में एक आपका थर्ड अलायंस बना था, थर्ड अलायंस में इंग्लैंड था, इंग्लैंड के साथ में रशिया था, रशिया के साथ में होली रोमन एम्पायर था, एंड इन तीनों ने कोलिशन बना के फ्रांस जो उस वक्त नेपोलियन के लीडरशिप में था उसके अगेंस्ट में एक वॉर लड़ा था जिसको थर्ड कोलिशन वॉर कहा जाता है, और उसमें फ्रांस की जीत हुई थी। तो थर्ड कोलिशन वॉर में जैसा कि हमने देखा कि तीन लोग कोलिशन में थे, एक आपका इंग्लैंड था, दूसरा रशिया था, और तीसरा होली रोमन एम्पायर था। तो हम लोग अब एलिमिनेशन के मेथड से चलते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इस कोलिशन का पार्ट नहीं था, तो क्योंकि रशिया पार्ट था वो हट गया। फ्रांस आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फ्रांस के अगेंस्ट में तो बनाया ही गया था, जब आप फ्रांस के अगेंस्ट में लड़ रहे हो फ्रांस तो फ्रांस तो उसका पार्ट हो नहीं सकता। स्वीडन एंड क्रोशिया, स्वीडन जो था उस वक्त आपका इंग्लैंड के एम्पायर के अंडर में आता था, तो स्वीडन जो है दैट वॉज द पार्ट, एंड ये होली रोमन एम्पायर इसका कुछ हिस्सा होली रोमन एम्पायर के कंट्रोल में भी था, तो स्वीडन जो है ये भी कोलिशन का पार्ट था। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज क्रोशिया, एंड इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो होली रोमन एम्पायर है कुछ हिस्सा उसने स्वीडन का कब्जा रखा था और कुछ हिस्सा इंग्लैंड के कंट्रोल में था, फ्रांस के अगेंस्ट में इन्होंने कोलिशन बना के लड़ाई लड़ी थी, रशिया इस कोलिशन का पार्ट था, सो द अदर करेक्ट आंसर इज क्रोशिया। इनफैक्ट आप उसको पढ़ोगे भी तो उसमें इस लाइन को उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि क्रोशिया जो था इस पूरे अलायंस वगैरह से और इस पूरे वॉर के टाइम पे न्यूट्रल रहा। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें हमको बताना है कि नेशनैलिटी ऑफ द ट्रैवलर इज नॉट करेक्टली मैच। चार आपको ट्रैवलर्स के नाम दिए हुए हैं, चार आपको नेशनैलिटी बताई है, अब हमें यह बताना है कि कौन से ट्रैवलर और उसकी नेशनैलिटी जो है वो करेक्टली मैच नहीं करती है। जिसकी मैच करती है वो करेक्ट आंसर नहीं है, जिसकी मैच नहीं करती है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये अब जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो बेसिकली आपसे मिडिल एजियन और उसके बाद में आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन हुआ था उसके पहले तक का जो ट्रैवलर्स वगैरह हमारे यहाँ है उनके बारे में बात की गई है। तो अगर किसी ने मिडिवियल हिस्ट्री को पढ़ा है, विपिन चंद्र सर की जो किताब है ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला है इब्न बतूता, मुरक्कन, ये सही है, मुरक्को से आया था, इसके बारे में किसी को बता दिया। ज्वाट्रे बारबोसा, इनका नाम उन्होंने सुना होगा जिन्होंने पोर्टुगीज एक्सपेंशन इन इंडिया को डिटेल में पढ़ा है। ये एक पोर्टुगीज ऑफिसर थे और जब पोर्टुगल ने कॉलोनीज बनाना शुरू करी थी तो फिर ये एज एन ऑफिसर वहां पर आए थे, तो ये भी सही है। तीसरा है आपका जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर, ये जो है ये गलत है, इस तरीके का कोई डच जो है इंडिया में एज अ ट्रैवलर नहीं आया था, इंडिया में एज अ ट्रैवलर इस तरीके का कोई डच नहीं आया था। एंड चौथा है निकोलो मैन्युकी, ये वेनेटियन था, इसका भी जिक्र आपको मिडिल एजेस की जो किताबें हैं वो ओल्ड एनसीईआरटीज वगैरह में मिल जाता है। तो हम लोग इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, तो फिर ऑब्वियसली बात है थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
बट द पॉइंट इज ये क्वेश्चन तभी आपसे हो पाएगा जब आपने मिडिल एजेस की आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं स्पेसिफिकली ओल्ड एनसीईआरटी वो अगर आपने पढ़ी है उसमें जो कॉलोनियल एक्सपेंशन और उसके साथ में जो चीजें हो रही थी उसमें इन ट्रैवलर्स का जिक्र आता है वो अगर देखा है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की भी आप इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इन चार में से कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन और चार ऑप्शंस आपको दिए गए 26 जुलाई 17 जुलाई 19 जुलाई और 27 सितंबर. येट अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आप इस तरीके न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसमें आपको बकायदा बताया जाता है कि किस दिन कौन सा डे है एंड ऑल दैट. तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो 19th ऑफ अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है. फैक्चुअल क्वेश्चन है नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस एंड इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 67 का में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2. इन चारों में से कौन सा नाम चंद्रयान 2 के लैंडर को दिया गया था. बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है अगर आप चंद्रयान 2 का पूरा फॉलो कर रहे थे अगर आपने उसके बारे में न्यूज वगैरह पढ़ी है देखी है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हमारा जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और उसमें से फिर जो रोवर निकलने वाला था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था. तो व्हाट ऑब्वियस आसान सा क्वेश्चन है जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इन चारों में से क्या क्या नाम दिया गया था चंद्रयान 2 के लैंडर को था. करेक्ट आंसर इज विक्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें आपसे पूछा गया है अलॉन्ग विद प्रणब मुखर्जी हाउ मेनी मोर पर्सन वर कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 2019. अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसमें हमसे बोला गया है कि प्रणब मुखर्जी के साथ में कितने और लोगों को भारत रत्न 2019 में दिया गया था. तो भारत रत्न 2019 में दिया गया था 3 लोगों को. एक हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे एक भूपेन हजारिका थे और एक नानाजी देशमुख थे. 3 लोगों को ये आपका दिया गया था. अब इन 3 लोगों को जो ये आपका भारत रत्न दिया गया था क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा है अलॉन्ग विथ प्रणब मुखर्जी के साथ में हाउ मेनी मोर पर्सन कितने और लोगों को भारत रत्न दिया गया था. तो जल्दी जल्दी में तो आपको आंसर लगेगा कि थर्ड होना चाहिए मगर ये गलत है. उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितने लोगों को एक इस साल आपको ये भारत रत्न दिया गया. उन्होंने पूछा था कि प्रणब मुखर्जी के साथ में कितने और लोगों को भारत रत्न दिया गया. तो 2 और लोगों को दिया गया प्रणब मुखर्जी के साथ में. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा एंड इट गोइंग टू बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69 और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 और इसमें पूछा गया है ऐश्वर्या पिसाए एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. ऐश्वर्या पिसाए इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में बिलोंग करती हैं कि कौन से स्पोर्ट्स में एक्सेल करती हैं. येट अगेन करंट इवेंट का क्वेश्चन है. अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो ऐश्वर्या पिसाए का नाम रिसेंटली सितंबर में और अगस्त में न्यूज में था जब ये मोटर स्पोर्ट्स में इन्होंने एक आपका जो स्पोर्ट होता है जिसमें हम मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं एक रेस जीती थी. तो ऐश्वर्या पिसाए का मोटर स्पोर्ट से ताल्लुकात रखती हैं. द करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन 69 ऐश्वर्या पिसाए एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट एंड 4 स्पोर्ट्स के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए बैडमिंटन ऑप्शन बी बॉक्सिंग थर्ड इज मोटर स्पोर्ट एंड फोर्थ इज चेस. ऐश्वर्या पिसाए इनमें से किसमें एक्सेल करती है. जिसने करंट इवेंट्स फॉलो किए हैं सितंबर एंड अगस्त के महीने में उनको पता होगा इन्होंने मोटर बाइक्स जो होती हैं उनकी एक रेस जीती थी एंड ये मोटर स्पोर्ट्स के आपके जो स्पोर्ट्स हैं उनसे ताल्लुकात रखती हैं. तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज एडजस्ट द बेस्ट फीचर फिल्म इन 66 नेशनल फिल्म अवार्ड. 66 नेशनल फिल्म अवार्ड में इन 4 में से कौन सी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है. एंड आपके ऑप्शन है बुलबुल कैन सिंग हिलारो बधाई हो एंड उरी. अब कई लोगों को आंसर लगेगा कि बधाई हो या उरी में से कोई एक होना चाहिए क्योंकि इन दोनों को बेस्ट आपका एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में अवार्ड मिला था. बेस्ट फिल्म्स वगैरह का मतलब एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में मिला था. यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि बेस्ट फीचर फिल्म किसको माना गया था. ओवरऑल जो कैटेगरी होती है बेस्ट फीचर फिल्म उसमें जो आंसर है दैट इज हिलारो. येट अगेन द क्वेश्चन वॉज येट अगेन आस्ट ऑन करेंट इवेंट. न्यूज पेपर्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पूरी डिटेल लिस्ट आई थी एंड द क्वेश्चन हैज बीन पिक फ्रॉम देयर एंड द करेक्ट आंसर इज हिलारो. क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं बोला गया कि बेस्ट फिल्म इन एंटरटेनमेंट कैटेगरी तब ये 2 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं क्योंकि इनको एंटरटेनमेंट होल सब एंटरटेनमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है. बट बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है दैट इज हिलारो. तो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पारादीप जो पोर्ट है वो कौन से डेल्टा कौन से रिवर के डेल्टा पर लोकेटेड है. पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ द रिवर और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं रिहान गंगा महानदी एंड दैतारिणी.
तो इसका आंसर बेसिकली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द ग्लोसरी ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 11th. क्लास 11th में जो इंडिया की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने वाली किताब है उसकी ग्लोसरी से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, जहां पे पैराडीप पोर्ट के बारे में ये बताया गया है कि ये आपका महानदी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पे ये द्वीप जो है सेटल्ड है. द पोर्ट इज सेटल्ड एट द महानदी एंड द बे ऑफ बंगाल कॉन्फ्लुएंस. तो द करेक्ट आंसर विल बी महानदी, महानदी डेल्टा, या फिर महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल की कॉन्फ्लुएंस पे सेटल्ड है, ये एस्टैब्लिश है, तो फिर उससे हम लोगों ने इसका आंसर महानदी आपका हो जाएगा. राइट आंसर इज गोइंग टू बी द सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81 एंड इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस स्लैश थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. इनमें से कौन सी थ्योरी या हाइपोथेसिस जो है यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है, और आपको चार ऑप्शन दिए हैं. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81, नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी एंड प्लैनेट सिमिलर हाइपोथेसिस. बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट आंसर इज बिग बैंग थ्योरी. बेसिक भी अगर आपने ज्योग्राफी का शुरुआत भी पढ़ी है तो हर जगह ये बताया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी को इज द वो थ्योरी माना जाता है जिससे यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरुआत हुई थी एंड ऑल दैट. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द बिग बैंग थ्योरी. फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस, एंड इन दिस मैनर क्वेश्चन नंबर 81 इज सॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें ये पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रगल्स बेस्ड ऑन गांधी फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इन चार में से कौन सी जगह पे जो स्ट्रगल हुई थी जिसमें गांधी की फिलोसफी इस्तेमाल हुई थी सत्याग्रह की, उसमें इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट किया. सिंपल करके अगर आप बोलना चाहें तो इन चार में जगहों में से कौन सी जगह पे जो सत्याग्रह हुआ था जिसमें इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वगैरह ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको बताना है. चार ऑप्शन दिए हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद एंड बरदोली. तो जिसने भी सत्याग्रह वगैरह के बारे में पढ़ा है उसको पता होगा कि आपका जो अहमदाबाद में हुआ था सत्याग्रह, दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. मिल्स में स्ट्राइक हुई थी, वहां पे वर्कर्स और जो मिल्स के मालिक थे उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था वेजेस को लेकर. महात्मा गांधी वहां पे गए थे, सत्याग्रह वगैरह किया था एंड फाइनली वर्कर्स और आपके जो ओनर्स थे मिल्स के उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाया था. सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में, तो वहां किसानों के लिए, उसके बाद में फिर खेड़ा में, और उसके बाद में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक करवाई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन और द सी ऑप्शन, दैट इज अहमदाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 102. क्वेश्चन नंबर 102 में हमसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेरिटरीज ऑफ इंडोनेशिया इज नॉट टच्ड बाय इक्वेटर. इनमें से कौन सी जो लैंड टेरिटरी है इंडोनेशिया की वो इक्वेटर के द्वारा टच करती हुई नहीं जाती है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसने एटलस वगैरह को थोड़ा सा फॉलो किया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके आसपास की कंट्रीज को थोड़ा सा देखा है, उनसे ये क्वेश्चन हो पाएगा कि इक्वेटर आपका इंडोनेशिया के इनमें से कौन से आइलैंड को टच करता हुआ नहीं जाता. मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जावा वो द्वीप है या जावा वो आइलैंड है इंडोनेशिया का जिसको इक्वेटर टच करता हुआ नहीं जाता. इक्वेटर जिस तरह से निकल के गया है वो इन तीनों आइलैंड्स को टच करता हुआ या कट करता हुआ निकल के गया है. जावा थोड़ा नीचे है तो इक्वेटर की कॉन्टैक्ट में नहीं आता. द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज जावा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110. क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस. इन चार में से कौन सा व्यक्ति जो था वो पहला इंडियन था जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था. येट अगेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. अगर आपने एनसीईआरटी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उसके बाद उनका असर जो इंडियन सोसाइटी पे पड़ा था, जो शायद 9th क्लास में भी है एंड 12th क्लास में भी है, जिसको अगर आपने उन किताबों को देखा होगा, या फिर अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है जिसमें बिपिन चंद्र ने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया है, तो उसमें पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर 1953 ही वॉज द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया. इन चारों में से कौन सा जो क्रॉप है वो रवि क्रॉप माना जाता है नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, यानी कि सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है. रबी क्रॉप इनमें से कौन सा है? तो राइस तो ऑब्वियसली बात है खरीफ क्रॉप होता है, बाजरा एंड रागी नहीं है. करेक्ट आंसर इज बार्ले. ज्योग्राफी अगर आपने 9th-10th क्लास की बेसिक्स पढ़ रखे हैं एग्रीकल्चर वगैरह के चैप्टर्स को, तो उसमें आपको पता होगा कि बार्ले जो है उसको रबी क्रॉप माना जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें ये पूछा गया है
which one of the following ocean current is a cold current? In चारों में से कौन सा ocean current जो है वो cold current है? The options are South Atlantic Drift, Mozambique Current, East Australian Australian Current and fourth is the Caribbean Current. Yet again the question has been asked from 11th class geography जिसमें आपको करंट वगैरह के बारे में ओशन एंड ओशन करंट के बारे में पढ़ाया जाता है तो वहां पे जिस जिसने उस एनसीईआरटी को फॉलो किया होगा ही मस्ट बी अवेयर दैट द राइट आंसर इज द साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट. साउथ एटलांटिक की तरफ से जो आपके जो ड्रिफ्ट या फिर जो आपके वेव्स वगैरह चलती हैं ये कोल्ड करंट्स होती हैं. पैसिफिक की तरफ से आपका हॉट करंट्स आते हैं आपस में मिलते हैं एंड दे क्रिएट अ गुड फिशिंग ग्राउंड एंड ऑल तो उसमें इसका जिक्र आता है. राइट आंसर इज द साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट. Actual question है whether you know it or whether you don't know it. The person who has gone through the NCERT textbooks of geography of class 11 physical geography must be aware of the answer. So the right answer is the option A. Next question जो उनसे पूछा गया that is question number 112. Question number 112 में पूछा गया है Article 46 of the Constitution of India refers to the promotion of educational and economic interest of. आपके Constitution का जो Article 46 है वो इन चार में से कौन से सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है. तो आर्टिकल 46 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि आपके शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट वगैरह और अदर वीकर सेक्शंस वगैरह जो हैं उनके जो आपके एजुकेशनल राइट्स वगैरह हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन. अब ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वगैरह को पढ़ा हो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछा गया जिसमें आर्टिकल 46 ये ऑब्लिगेशन डालता है स्टेट के ऊपर कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीकर सेक्शंस और वीकर सेक्शंस में भी एससी एसटी वगैरह जो है इनके एजुकेशनल और आपके इकोनॉमिक राइट्स वगैरह का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस आर्टिकल 46 उनके प्रोटेक्शन की बात कर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 113 इसमें है कि हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आजाद भारत की पहली कैबिनेट के एजुकेशन मिनिस्टर इनमें से कौन थे एंड ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड आचार्य नरेंद्र सिंह एंड द करेक्ट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद. फिर से वही बात आ जाती है कि आपने फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में इंडिया की जो पहली गवर्नमेंट फॉर्मेशन पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड पहला आपका फाइव ईयर प्लान इन सब चीजों के बारे में अगर पढ़ा है तो इनका जिक्र बीच में आता है कि ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इन्होंने ये पॉलिसीज अपनाई थी एंड ऑल दैट. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड ऑप्शन सी और थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग डाइड इन एक्साइल. इनमें से कौन जो है एक्साइल में इनकी डेथ हुई थी. एक्साइल का मतलब होता है जिस जगह के आप नेटिव हैं अगर वहां से आपको देश निकाला नहीं दिया जाए कानून के तहत या किसी के तहत आपको ये बोला जाए कि आप वहां पे नहीं रह सकते आपको यहां से बाहर जाना पड़ेगा तो उसको एक्साइल की कंडीशन कहा जाता है. तो क्वेश्चन पूछा गया इनमें से इन चारों में से किसकी डेथ एक्साइल में हुई. बेसिकली ये क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट फ्रीडम फ्रीडम के लिए जो वॉर हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वहां से पूछा गया. अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरी थी. तात्या टोपे जो है ये सेंट्रल इंडिया के जंगलों में भाग गए थे बाद में पकड़ के इनको हैंग किया गया था. नाना साहेब के बारे में कहा जाता है कि ये नेपाल निकल गए थे और उसके बाद में इनके बारे में कुछ पता नहीं चला था. तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द बहादुर शाह जफर क्योंकि इनको 1857 की जो आपकी पहली आजादी की लड़ाई हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया था और वहीं पर शायद 1862 में इनकी डेथ हुई. तो एग्जाइल में बहादुर शाह जफर की डेथ हुई है बाकी तीन अलग अलग दूसरे सर्कमस्टेंसेस में हो रहे हैं उनकी एग्जाइल में डेथ नहीं. द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 114 इज गोइंग टू बी द बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116. क्वेश्चन नंबर 116 में आपसे पूछा गया है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी NRLC नेशनल रिसर्च ऑफ लेबोरेटरी फॉर नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड. नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी ये जो लेबोरेटरी है इन चारों में से किस जगह पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्टैब्लिश्ड है. NRLC अभी कुछ वक्त से न्यूज में था तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से या करंट इवेंट से पूछा गया है. सेप्टेम्बर के महीने में इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें हो रही थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निक्स जिनके ऊपर ये फिलहाल रिसर्च कर रहे हैं एंड वहां पे इनका जिक्र था कि NRLC का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में. राइट आंसर इज गोइंग टू बी लखनऊ
एंड ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन करंट इवेंट. जो लोग न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे थे, करंट इवेंट पढ़ रहे थे, उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा. एनआरएलसी और एनआरएलसी का हेडक्वार्टर लखनऊ. द करेक्ट ऑप्शन और द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 117, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतक लेक जो है आपकी, जिसको लोकताल लेक के नाम से भी जाना जाता है, वो इन चार में से कौन से स्टेट में सिचुएटेड है. लोकतक लेक या लोकताल लेक जो है वो इन चार में से कौन से स्टेट में सिचुएटेड है. फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये इसके पहले भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, सो इट वॉज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. लोकताल लेक या लोकतक लेक जो है वो मणिपुर में सेटल्ड है या मणिपुर में सिचुएटेड है. एंड इसमें फ्यूमडीज करके रिवॉल्विंग आइलैंड जैसे छोटे छोटे आपके पार्ट्स होते हैं, उनके लिए लेक बहुत ज्यादा फेमस है. यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शुमार किया गया. तो द राइट आंसर ऑफ द लोकतक लेक सिचुएटेड इज इन मणिपुर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 120. क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट. इन चारों में से कौन सी मेजर प्लेट है. एंड चार ऑप्शन आपको दिए हैं, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड फिलिपिन प्लेट. येट अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की जो आपकी किताब है उसमें से सवाल पूछा गया है, जिसमें आपको प्लेट्स वगैरह के बारे में बताया गया है, टेक्टोनिक मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है. वहां पे आपको मेजर एंड माइनर प्लेट्स की पूरी एक लिस्ट दी हुई है, डायग्राम बना के बताया गया है कि ये आपकी मेजर प्लेट्स हैं, ये आपकी माइनर प्लेट्स हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो उसमें ये बताया गया है कि आपकी पैसिफिक प्लेट जो है वो एक मेजर प्लेट है, ये तीनों जो है ये माइनर प्लेट की कैटेगरी में आती है. The right answer is going to be the Pacific plate. And this question has been asked from NCERT class 11 geography, physical geography textbook.